सर्दी। सिडनी भी सिडनी की तरह मेलबर्न भी खूबसूरत हरा भरा शहर है। ये हम जिधर जाते हैं इसी तरह की सड़कें हैं, खूबसूरत मंजर होता है। मेलबर्न में ट्राम चलती है। ये अब डाउनटाउन, ये ब्रिज आप क्रॉस करते हैं या फिर यारा रिवर आ गया। ये जैसे ही आप ब्रिज क्रॉस करते हैं, ये अब लेफ्ट साइड पे फ्लिंडर्स स्ट्रीट ट्रेन स्टेशन है। अच्छा। जो शहर का सेंट्रल, ये फेडरेशन स्क्वायर है ये पूरा। अच्छा, ये तो जा रही है ट्रैम जा रही है ना, तो हम ट्रैम पे बैठ के ना यहाँ मेरे ख्याल में ये जो ब्रिज के पास की जगह है पार करने की। ये फेडरेशन स्क्वायर, ये फेडरेशन स्क्वायर है, ये देखे ना, ये स्क्वायर बना हुआ है। हाँ, ये फेडरेशन स्क्वायर है। ये ट्राम खड़ी तो है यहाँ, ये देखो। वो जो फ्री वाली हमने लेनी है ना, वो फ्री वाली की हद होती है, वो मेरे ख्याल में यहाँ तक आती है। भाई गैलरी नहीं लेके जाएगी आपको। ये हम फेडरेशन स्क्वायर के पास आए फिरते हैं डाउनटाउन में, लोगों का रश देख। ये फ्लिंडर स्ट्रीट ट्रेन स्टेशन है, यहाँ से आगे चले जाए तो फ्लिंडर स्ट्रीट है जो एक वक्त में ये फ्लिंडर स्ट्रीट ये स्टेशन ट्रेन स्टेशन। अच्छा, वो ये स्वानस्टन स्ट्रीट भी आ गई है। हाँ, तो ये एक वक्त में जब मैं पहले आया था, ये ट्रेन स्टेशन है जो बहुत मशहूर है, मेलबर्न का ट्रेन स्टेशन। भाई ये सेंट्रल है भाई, आप ये देख लेना कि इससे ज़्यादा सेंट्रल और कोई जगह नहीं है। पहली बार जब मैं आया था तब ये इन गलियों में गाड़ियां जा सकती थी, अब इन गलियों को उन्होंने गाड़ियों के लिए बंद कर दिया है। ये कैथीड्रल, क्या नाम, सेंट जोसेफ है या सेंट मैरीज है। डाउनटाउन मेलबर्न सीबीडी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। दिस इज क्वीन विक्टोरिया मार्केट, one of the best places in Melbourne, a very cultural place in its nature. Yeah. हद निगाह, ये मार्केट जा रही है, बहुत बड़ी, वेरी ह्यूज एंड लॉन्ग एंड बिग मार्केट। हाँ, 3 for 40। हाँ, ये देखो कितनी शानदार शर्टें हैं, 10 की 1 और 27 की 3, फिर 9 की हो गई। Thank you.
तरह की हम भी ले गए थे, थी मजे की चीज वो, याद होगा। घूमते जाए ना, घूमते जाएंगे आहिस्ता 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 आहिस्ता। वेलकम टू दी MCG। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, और फिर बीच में जाहिर बात है थोड़ा थोड़ा तड़का भाई नासिफ के लिए भी लगा देता हूँ मैं। तो ये सामने डेनिस लिली का मुजस्मा है। इस तरह से आप यूँ अगर इसके गेट्स पे चलते हैं इसके इर्द गिर्द, तो काफ़ी सारे प्लेयर्स के लगे हुए हैं। यहाँ मोस्ट रिसेंट मुजस्मा जो ऐड किया गया है वो शेन वॉरन का किया गया है, शायद उसकी वफात से कुछ अर्सा पहले या उसकी वफात के फ़ौरन बाद उन्होंने यहाँ शेन वॉरन का मुजस्मा ऐड किया है। लेकिन ये MCG जो है, एक मिसकंसेप्शन ये होती है भाई, हम लोगों को लगता है कि ऑस्ट्रेलियंस क्रिकेट के बड़े शदाई होंगे, लेकिन ये क्रिकेट को यानी 10 लोगों में से को गालबन 2 लोग या एक बंदा देखता है क्रिकेट, ये देखते हैं रग्बी। तो ये MCG का भी जो ज़्यादा मकसद इस्तेमाल का होता है वो ये रग्बी के लिए है। यहाँ पे AFL यहाँ रग्बी दो किस्म की होती है, उसमें जो AFL है ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल लीग वो यहाँ खेली जाती है, उसके अक्सर औकात जो फाइनल्स वगैरह होते हैं वो यहाँ MCG में होते हैं। तो ये ऊपर इसके वजह ऑफ कोर्स टावरिंग हुए हैं। तो ये मिल गया शेन वॉर्न यार का मुजस्मा, ये कब लगाया इन्होंने? अच्छा यहाँ लिखा भी नहीं है जालिम के बच्चे, उसके ऊपर ऐसे वाहियात किस्म के उन्होंने स्पॉन्सरशिप ऑस्ट्रेलिया पोस्ट की स्पॉन्सरशिप का टैग भी लगाया हुआ है। शेन वॉर्न लगता तो नहीं है शेन वॉर्न की तरह का, लेकिन स्टाइल उसके वाला है। अच्छा ये गेट 3 है, अच्छा यहाँ पे जाके देखें। Just looking around to see if I can. Yeah. थैंक यू। अच्छा जी, ये इतना एक उन्होंने मुझे अंदर आने दिया बस यहाँ से। अच्छा यहाँ चल के भी देखता हूँ कि यहाँ पे सोविनियर्स किस तरह के हैं, लेकिन ये देख लें कि अब ग्राउंड में पिच भी नहीं है। ये मज़ेदार चीज़ है कि भाई हमें जो लगता है ना मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, लेकिन यहाँ पे पिच भी नहीं है, क्योंकि वो सारे उन्होंने वो AFL के लिए उसको सेट किया हुआ है। ये बीच में पोल्स लगे हुए हैं, ये पोल्स आपको कभी क्रिकेट के दौरान नज़र नहीं आएंगे, लेकिन ये फुटबॉल के पोल्स हैं। ये जो नीचे सारा बना हुआ है यानी उन्होंने फुटबॉल के लिए उसको सेट किया हुआ है, ये सिस्टम है। अच्छा इधर सोविनियर्स जाके देखें, लेकिन सोविनियर्स भी ज़्यादातर जो हैं वो फुटबॉल रिलेटेड होंगे। Abbotsford Convent, मेलबर्न के अहाते में खड़ा हूँ।
ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा कॉन्वेंट है। एबट्सफोर्ड कॉन्वेंट। एबट्सफोर्ड कॉन्वेंट ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न के अंदरूनी मजाफाती इलाके में 17 एकड़ अराजी पर वाक़ है। 19वीं सदी और 20वीं सदी के अवायल के दौरान 100 साल तक एबट्सफोर्ड कॉन्वेंट ने उन हज़ारों ख़वातीन और बच्चों को पनाह, खुराक, तालीम और काम फराहम किया जिन्होंने गुर्बत, बेनियाजी और समाजी पसमानदगी का सामना किया। इस वक्त ये जगह और इसके 11 इमारतें फनून, तालीमी और सकाफती मरकज के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। इसके मैदान, तारीखी इमारतें और बागात आर्टिस्टों, फनकारों और कारीगरों, कम्युनिटी और सकाफती तकरीबात के जेर इस्तेमाल हैं। इस साइट पर 11 इमारतें हैं जिनमें कॉन्वेंट, प्रोविडेंस, रोजीना, सेंट मेरी चर्च, मार्किटर, मैगडलिन लॉन्ड्री, सेक्रेड हॉल, इंडस्ट्रियल स्कूल वगैरह शामिल हैं।